हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं करने जा रही हूँ बाथरूम क्लीनिंग। तो अभी यहाँ पे मैं सीढ़ी वगैरह लेके आई हूँ, क्योंकि जो थोड़ी ऊपर टाइल है तो वहाँ पे मुझसे मतलब ऐसे साफ़ नहीं किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ के फिर उसको साफ़ करूँगी। वैसे तो गाइस मतलब वॉल की टाइल तो इतनी गंदी नहीं है, पर फ्लोरिंग की टाइल बहुत ज़्यादा गंदी है, और वो ना मैट में इसलिए ज़्यादा गंदी हो गई थी। और जबकि हम ये वाला वॉशरूम यूज़ नहीं करते हैं, हम बाहर वाला एक और वॉशरूम है वो यूज़ करते हैं, पर ये मैट में है इसलिए गंदी हो गई है ज़्यादा ही। तो मुझे ज़्यादा वैसे फ्लोरिंग की ही साफ़ करनी थी, और ये वॉल वाली तो फिर भी ठीक है, इतनी गंदी नहीं है। फिर भी मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं ये भी। और गाइज यहाँ पे मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, मतलब एक ही ग्लव्स था मेरे पास, जो दूसरा ग्लव्स था वो मेरा बेकार हो गया था, तो वो मैंने पहन लिया था, इसलिए मैंने दूसरे हाथ में पन्नी बांध ली थी, क्योंकि ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी होते हैं जब बाथरूम क्लीन करते हो तो, क्योंकि जो केमिकल वगैरह होता है जिससे हम टाइल वगैरह साफ़ करते हैं तो उससे हाथों में और पैरों में इचिंग होने लगती है। तो जब भी हम बाथरूम साफ़ करते हैं या आप कभी बाथरूम साफ़ करो तो हमेशा ग्लव्स और पैरों में स्लीपर ज़रूर पहन के रखो, इससे मतलब आपको इचिंग वगैरह नहीं होगी। गाइज़ यहाँ पे मेरी टाइल वगैरह साफ़ हो गई थी, और यहाँ पे मैं इनको पानी से वॉश कर रही थी, तो अभी फ्लोरिंग की टाइल रह गई थी तो साफ़ करनी है अभी बस मेरे को। यहाँ पे मैं फ्लोरिंग की टाइल साफ़ करने लग गई थी, और आप देख सकते हैं फ्लोरिंग की टाइल ये मैट में है, और ये मतलब केमिकल वगैरह से ही साफ़ हुई थी, ऐसे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रही थी ये, क्योंकि मैंने पहले भी करी थी तो ये साफ़ ही नहीं हुई, बल्कि आज ये काफ़ी साफ़ हो गई थी, देखने में ही लग रहा था मेरे को। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरा बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था, पहले से बहुत काफ़ी साफ़ दिख रहा था मेरे को। और फिर इसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे बनाना था लंच। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नहा ली थी, और नहा के मैंने आलू उबाल लिए थे और आटा लगा के रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं मतलब कि आलू मैश कर रही हूँ, और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, और मैंने डाला है अजवाइन, आमचूर और हींग। तो इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बनाऊँगी आलू के पराठे। और इसमें डालूँगी दो हरी मिर्च, और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए अलग से बनाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चों को मिर्च लगती है, हरी मिर्च मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी बस। तो गाइज़ यहाँ पे मैं काट रही हूँ टमाटर, तो यहाँ पे मैं दो टमाटर लूँगी और चार पांच कलियाँ लहसुन की लूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी चटनी। मेरा काफ़ी टाइम से चटनी बनाने का बहुत मन कर रहा था, तो आज मैं बनाऊँगी चटनी। और इसमें डालूँगी एक प्याज छोटी, और एक साबुत मिर्च जो लाल वाली होती है, और एक हरी मिर्च डालूँगी इसमें, और थोड़ा सा जीरा और नमक। तो ये मैं पीसूँगी सिलबट्टे पे, क्योंकि सिलबट्टे की चटनी का अलग ही स्वाद होता है, और मिक्सी में मतलब कि वो स्वाद नहीं आ पाता जो सिलबट्टे की चटनी में आता है भाई। मेरे को तो यही चटनी सबसे अच्छी लगती है।
थे। तो गाइज़ अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।